कुछ काम करके ही मरो, मरने के बाद बेटा बेटी जो करेंगे तुम्हारे नाम से सब ठीक है। आज के जमाने में कोई कहां, 90% बच्चे आजकल अपने माँ बाप का वो कोई काम नहीं कर रहे हैं जो उनका कर्तव्य है करना चाहिए। 90% बच्चे नहीं कर रहे हैं, केवल 10% बच्चे कर रहे हैं। अब बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जरा समझो। जिस दिन पिता की मृत्यु होती है, जिस दिन मतलब जिस तिथि पर पिता की मृत्यु होती है, जिस तिथि पर माता की मृत्यु होती है, जिस तिथि पर दादी और दादा की मृत्यु होती है, उस तिथि पर आपके घर में हर वर्ष उस तिथि पर उनके नाम से कुछ ना कुछ उनके निमित्त दो ब्राह्मण चार ब्राह्मण, दो कन्या चार कन्या, एक गाय दो गाय पेट भर तुम्हारे यहाँ पाए भर पेट। इसी का नाम है श्राद्ध। क्या है इसका नाम? श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध है अपने पूर्वजों के लिए। उस दिन कुछ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ हर साल। अब आप कहेंगे महाराज एक साल कर तो लिया। अरे भैया ये बताओ कि यदि तुम हर साल अपने बाप के नाम से 5 ब्राह्मण खवाओगे तो क्या घट जाएगा, 5 कन्याएं खवाओगे तो क्या घट जाएगा, और गैया को 4 रोटी खवा दोगे, पेट भर घास खवा दोगे तो क्या घट जाएगा। लेकिन आज के जमाने में लोग ऐसे हैं कि हम पंडित जी क्यों खवाएं, हम क्यों ब्राह्मण खवाएं, बाप हमारा हमारा हम ब्राह्मण खवाएं। कुछ लोग ऐसी बातें भी करते हैं। मतलब आज के जमाने में शास्त्रों पर श्रद्धा लोगों की नहीं रही, शास्त्र वचन पर लोगों की श्रद्धा नहीं रही। इसलिए अपने पिता को अपनी माँ को हर तिथि पर, मतलब साल में एक बार तिथि आएगी उनके मरने की। अब जैसे किसी के पिताजी कार्तिक माह की अक्षय नवमी को किसी के पिताजी की माना मृत्यु हुई या माँ की, तो आपके लिए ये तिथि हर साल के लिए नोट कर लेनी चाहिए कि इस तिथि पर उनके नाम से कुछ हो जो आप कर सको। संतों को खिलाओ, अन्न दान करो। क्या है, जब आप किसी को खिलाते हैं ना तो किसी के माध्यम से ही कहीं जाता है, किसी के माध्यम। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो, आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है और उसे पैसे की जरूरत पड़ी, तो आपने उसे पैसे कैसे भेजोगे, जोर से। आपका बेटा यदि अमेरिका में पढ़ता है माना कि, और आपको उसे पैसे भेजना है 20,000 रुपए, तो कैसे भेजोगे, बैंक में। बैंक में आप डालोगे पैसा तो उसे क्या मिल जाएगा, उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। आप यहां डालेंगे पैसा और वहां मिलेगा डॉलर, क्योंकि वहां डॉलर चलता है। आपका बेटा लंदन में पढ़ता है तो यहां से डालोगे पैसा, वहां मिलेगा पाउंड, वहां पाउंड चलता है। हाँ या ना? जो आप भेज रहे हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो वहां की आवश्यकता उससे है वो जरूर मिल जाएगी। उसी तरह तुमने अपने पिता के नाम से किसी ब्राह्मण को खिलाया, किसी कन्या को खिलाया, किसी संत को भूखे को खिलाया, तो उसके तृप्त होते ही आपके पितरों को जिस चीज की जहां जरूरत है इसके माध्यम से उन्हें वो मिल जाएगा, उन्हें जो चाहिए, उन्हें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, आवश्यकता है। ये क्रम है, ये क्रम यहां भी है, ये क्रम आध्यात्म में भी है। लेकिन आजकल 90% बेटे ऐसे हैं कि अपने माँ बाप के नाम की न तिथि याद रख पाते हैं, ना उस तिथि पर कोई काम कर पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग अपने जीते जी अपने अच्छे काम करके जाना, ताकि आपको बेटों के भरोसे ना बैठना पड़े कि बेटा तेरी ही करे, बेटा वर्षी करे, बेटा श्राद्ध करे। करे तो अच्छा है, करना ही चाहिए, यही धर्म है।
पर ना करे तो आप इतने पुण्य करके जाओ कि आप अपने पुण्य के बल पर ही मोक्ष को प्राप्त कर लो, भगवान को पालो। आपको पुण्य के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम पुण्य करो फिर हमारा मोक्ष होगा। हम अपने मोक्ष की तैयारी करके मरे ना, इसलिए हम कहते हैं कि जीते जी अपनी तेरहवीं कर लो, मरने के बाद बेटा करेगा करेगा। जीते जी अपनी बरसी कर लो, मरने के बाद बेटा करेगा जो करेगा। जीते जी गौदान कर लो, मरने के बाद बेटा करेगा तो करेगा। अच्छे काम जीते भागवत जीते जी सुन लो, सत्य जीते जी बोल लो, दया जीते जी कर लो। मरने के बाद तो ना सत्य बोल पाओगे, ना दया कर पाओगे, ना क्षमा कर पाओगे। जीते जी अच्छे काम कर लो भैया। 84 लाख योनियों में बड़े भाग्य से भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु किनर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बड़े भाग्य से शास्त्र गाते हैं कि यह शरीर मिलता है बड़े भाग्य से। पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ में आती है या नहीं आती। आप लोग अपने जीवन को अच्छे से गवाओ, अच्छे से चलाओ, यूं ही ना गवा दो, ये मेरी प्रार्थना है।